पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भी पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है, अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। लोकसभा 2024 चुनाव में रोजाना कोई न कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। इसी बीच चुनावी दिनों में सभी पार्टी के नेता डट कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिनमें एक नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने बिहार में जनसभा की, जहां बिहार दौरे के दूसरे दिन यानी 13 मई को पीएम मोदी ने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा के सारण में सभा की। बता दें कि लोग अभी पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाली टिप्पणी से ही नहीं उभरे थे और अब पीएम मोदी ने चूड़ी को लेकर भी टिप्पणी कर दी है। बिहार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। क्या कुछ और कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, आप भी सुनिए। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भी पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है, अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी ने और भी मुद्दे उठाए, जैसे उन्होंने हाजीपुर में कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी वाले सरकार चलाते थे, तब ईडी ने 10 साल में 35 लाख रुपए जब्त किए थे। हमने हमारी सरकार में 2,200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जिसे ले जाने में 70 ट्रक लगेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा बिहार में जंगल राज वाली पार्टी चारों खाने चित होने जा रही है। मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया, बिहार में जहां जहां गया, एक ही आवाज आ रही थी, एक ही स्वर सुनाई दे रहे थे, फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा ये देश का चुनाव है, ये हिंदुस्तान का भविष्य और नेतृत्व तय करने का चुनाव है, ये इस बात का निर्णय करने का चुनाव है कि किसके हाथ में बागडोर देना है। पीएम मोदी के बयानों ने सीधा असर कांग्रेस पर डाला है। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस अब पीएम के जवाब का कैसे पलटवार करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।